देखो साइन 33 जो फिफ्थ नंबर है, देख लो साइन, ये है साइन इनवर्स साइन 33, ठीक बात। अब हमें क्या लिखना है, 33 प्लस एन पाई, एन का नेगेटिव नंबर ढूंढना है जिससे इनका नेट डिफरेंस क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, बोले तो 1.57 से 1.57 चाहिए, ठीक बात। अब एन को देखो लगभग 10 डालोगे तो इसके पास में आएगा, ठीक है ना, 10 जो हो जाएगा 31 पॉइंट, लेकिन शायद थोड़ा बड़ा हो तो 11 डालते, ठीक है ना। तो 33 माइनस 11 पाई, 11 पाई का मतलब 11 इंटू 3.14, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा ना सर 11 में, ये आएगा देखना 11 इंटू 3 4 44 4 15 1, ठीक है एकदम, ये आएगा। तो डिफरेंस करोगे तो माइनस 1.54 आ जाएगा। अब देखो माइनस 1.54 एग्जैक्टली इसके बीच का नंबर है, अगर 10 पाई करो, मान लो किसी ने 10 पाई किया, 10 पाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 पाई का मतलब हो जाएगा 31.4। अब इसका इसका डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, और 1.6 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 10 पाई वाला डिफरेंस इससे बड़ा है, 11 वाला डिफरेंस जो है उसके बीच का है। तो जो हम डिफरेंस कंसिडर करेंगे या जो नंबर लेंगे वो 11 पाई लेंगे, यानी ये आ गया। देखो अब ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर माइनस ऑड पाई है, तो याद करो अगर ऑड पाई आएगा तो आंसर क्या आएगा, ऑड पाई माइनस नंबर, हाँ बिल्कुल सीरियस, 11 पाई माइनस, बेटा वंश आज से रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं डाल दूंगा, कोई चिंता मत करो, ठीक है यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। बेटा पहले लास्ट दो क्लास की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑडियो तो रिकॉर्ड हुआ, वीडियो नहीं आ पाया किसी ने, तो लास्ट दो क्लास की नहीं मिल पाएगी। तो लास्ट दो क्लास में हमने ज्यादा किया भी नहीं, एक साइन इनवर्स साइन एक्स वाले प्रॉपर्टीज पे ही पूरी क्लास निकाली थी हमने, ठीक है। तो चलो और कोई डाउट है किसी में, किसी पार्ट मोर डाउट, किसी पार्ट में डाउट, चलो नहीं होगा तो अगला करते हैं। सेकेंड है आपका, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। हाँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स पे आते हैं। अब साइन इनवर्स साइन एक्स समझ गए हो ना, तो ये बहुत कुछ है नहीं इसमें, मेन आप ग्राफ याद करो, ग्राफ याद रखोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत फीचर लिख सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, तो लास्ट क्लास में साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए भी चार पांच बातें लिखी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला डोमेन, रेंज,
पीरियड और चौथा ऑर्डिनल, ठीक है ना। ग्राफ बनाओ और ये चारों फीचर आप खुद से लिखवाओ। लिख लिया, तो देखो तो ग्राफ तो हर जगह डिफाइंड है। वो ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, उसके अंदर का नंबर माइनस वन से वन होना चाहिए, और कॉस इनवर्स के अंदर क्या नंबर है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का रेंज ही क्या होता है माइनस वन से वन। तो एक्स चाहे कुछ भी डालो ये हमेशा माइनस वन से वन प्रोड्यूस करेगा, और वो किसके बीच का है, वो इस फंक्शन के डोमेन के अंदर का नंबर। तो डोमेन इसका भी ऑड रियल नंबर आएगा। रेंज रेंज क्लियरली दिख रहा है, जीरो से पाई के बीच में ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है, तो रेंज जीरो टू पाई। थर्ड पार्ट पीरियड लिख रखा है, रेंज देखो ना, रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज मतलब ग्राफ कहां से वाई एक्सिस में कहां से कहां फ्लक्चुएट। देखो ये पिक है, पाई का मतलब पाई जो ना जो टॉप है ना, सारे टॉप लाइन को ये पाई वाला लाइन टच करे। अब थोड़ा बनाने में समझ ही रहे हो थोड़ा है, लेकिन जो भी हो ये जो है ना ये पिक हो गया या ये पिक हो गया या ये पिक, ये सारे पाई है, यानी पाई वाली लाइन बनाओगे ना तो तीनों पिक को टच करेगा। इधर भी एक बना सकते हो, ठीक है। तो पीरियड रेंज हो गया जीरो से लेके पाई के बीच का, ठीक है ना, दोनों पे क्लोज। अब पीरियड का मतलब क्या हुआ, वो मिनिमम लेंथ जो बार बार रिपीट करे। देख लो भाई क्लियरली दिख रहा है कि भाई कौन सा लेंथ है, ये लेंथ तो है नहीं, ये जो लेंथ है दिख रहा है ये लेंथ, ये यहाँ पर है, फिर आगे होगा, फिर पीछे भी है, यानी ये लेंथ जो ग्राफ का है वो बार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन तो पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि एक फिक्स लेंथ के ग्राफ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक हो गया। अब वो जो लेंथ रिपीट करेगा दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फंक्शन, और रिपीट कितना हो रहा है 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझ सकते हो क्या, कि भाई ऑड इवन में, ऑड इवन में क्या होता है कि ग्राफ अगर वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है तो इवन हो जाएगा, अगर कोई फर्स्ट में है उसका थर्ड में ग्राफ है या सेकंड का फोर्थ में एंड वाइस वर्सा, तो अपना इवन ऑड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये देखो अगर यहाँ पर कोई मिरर रखे तो दिख रहा है जैसा इधर ग्राफ बना वैसा इधर आगे भी तो बनेगा, ये तो छोड़ दिया मैंने, इधर भी तो बनेगा, ये तो इनफैक्ट इनफाइनाइट तक बनेगा, पूरा बनता जाएगा। तो अगर यहाँ पर मिरर रखा जाए तो जैसा राइट में वैसे लेफ्ट में बनेगा, यानी फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। यानी ठीक है ना, बताओ, अब बताओ इन चार पॉइंट में किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो बताओ। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स आप समझ गए अच्छे से तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, आगे सारे ग्राफ आप समझ। थर्ड पॉइंट, थर्ड पीरियड क्या है, पीरियड में क्या है, मतलब बताया था ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर है किसी ग्राफ फंक्शन का दिया हुआ है और उससे हमें पीरियड को दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम लेंथ किसी ग्राफ का, वो बार बार रिपीट कर रहे। तो देखो ना भाई ये जो मिनिमम लेंथ, अगर इससे तुम कम करोगे, अगर मान लो ये अगर कम कर दे इतना छोटा ग्राफ, इसको बार बार रिपीट करेगा तो जो ये है वही बार बार रिपीट हो। तो देखो ये लाइन ऐसे जा रहा है तो आगे भी ऐसे जाना चाहिए, आगे भी ऐसे जाना चाहिए, तो वो तो नहीं है ना। पीरियड का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ समझो, मान लो अगर ऐसा है, एक ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो देखो ये वाला लाइन बार बार रिपीट हो रहा है,
लेकिन अगर तू बोले देखो एक ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है, तो ये पीरियडिक नहीं है, क्योंकि भाई ये ऐसा बन रहा है, ये पता नहीं क्या क्या बना रहा है। सेम चीज रिपीट होना चाहिए ना। सेम चीज कौन सा, देखो ना ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ ये जो पूरा पार्ट है थोड़ा ये जैसा है उसी तरीके से ट्रायंगल बना रहा है, पूरे के पूरे ग्राफ में ट्रायंगल ही तो बन रहा है। फोर्थ पार्ट ऑड इवन, ऑड इवन तो कितनी बार बोल चुके कि ग्राफिकल अगर देखना है तो ऑड इवन में क्या करते हैं, सबसे पहले इवन का देखा करो, क्योंकि इवन सबसे आसान होता है देखना। इवन देखने के लिए क्या बताया कि भाई वाई एक्सिस पे एक मिरर रखो, अब वाई एक्सिस पे अगर मिरर रखोगे ये मिरर हो गया, अब देखो भाई एक साइड का इमेज क्या दूसरा साइड बन रहा है, बन तो रहा है ना यार। अगर कोई मिरर रखे तो जैसा इधर है एग्जैक्टली वैसा इधर होना चाहिए, देखो ना ये ऐसे बन रहा है तो वो भी ऐसे बन रहा है। मिरर और ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मिरर है तो उसके अबाउट क्या होता है, जैसा इधर काम है वैसा इधर काम है, देखो ना मिरर ही तो दिख रहा है। अगर ये मिरर है दिख रहा है तो इसके राइट और इसके लेफ्ट दोनों सेम है ना, मतलब ये मत समझना सर आपने दो बनाया यहाँ तो एक ही, अरे यार ये तो इनफाइनाइट है ना यार, तो और भी तो बनेगा, अब बोर्ड इतनी छोटी इतना ही है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा ना मैं, आप जितना मन उतना बना लो भाई, ये इसके आगे भी तो बनेगा ऐसे फिर बनेगा, ठीक है ना। हाँ डोमेन एक्स एक्सिस के लोग है, मतलब ग्राफ पूरा है ना आगे पीछे पूरा पूरा। चलो अब एक काम और करो आप, अब इन सारे लाइन का इक्वेशन लिखो आप जो बना रखा ना, मैं एक और लाइन बनाता हूँ, आपने ज्यादा बनाया होगा तो थोड़ा मैं एक बार और इसको बनाता हूँ, ठीक है ना। दो राइट में बनाओ और दो लेफ्ट में बनाओ और सारे लाइन का इक्वेशन लिखो आप, ठीक है ना। कल मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि कैसे लिखते हैं, याद होना चाहिए। जितना लाइन बना रखे मैंने सारी लाइन के इक्वेशन लिखो जल्दी। बेटा सी थोड़े आएगा, सी बताया था ना कैसे लिखते हैं, याद करो सी के लिए क्या था ना, जहां पर एक्स एक्सिस को अगर कोई एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है, जैसे ये हो गया ये हो गया, जो एक्यूट एंगल लाइन होगा उसका स्लोप +1 लेना है और जो ऑब्ट्यूज एंगल वाले लाइंस है उनका स्लोप क्या लेना, -1 लेना है। अब प्लस सी की जगह पर क्या आएगा वो तो बताया था, +5 -5 कुछ भी ले लो जहां पर एक्स एक्सिस को कट करे हो। एक मिनट का टाइम लो क्योंकि थोड़ा आप लिखोगे तब तो आप लर्न करोगे, मैं लिख दूंगा आप छाप लोगे तो उससे कोई फायदा थोड़ा होगा, एडवांटेज कुछ नहीं होगा। थोड़ा सोचो विजुअलाइज करो चीजों को, लिखो गलत हो या सही हो बात की बात, आप लिखना स्टार्ट करोगे तभी आप लर्न कर पाओगे।
चलो हो गया तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया सीवे सेम आया तो बहुत अच्छी बात है। वही है भाई, टू पॉइंट फॉर्म से लाइन के क्वेश्चन निकालते हैं, लेकिन वो उतना टाइम थोड़े होता है कि भाई टू पॉइंट लिखो फिर आप लाइन लिख रहे हो, आधी के मतलब क्वेश्चंस के अलॉटेड टाइम तो आप पूरा लाइन लिखने में याद निकाल दोगे, तो बेहतर है ना कि आप चीजों को याद रखो थोड़ा बहुत। अनवी का भी बहुत बढ़िया, अनवी का भी सेम आया। और किसी का? ठीक है, दो बातें ही हमें समझना था इसमें कि मान लो इस लाइन का एक क्वेश्चन लिखना है, इस लाइन का तो ये लाइन, अगर इस लाइन का लिखना तो इसका पहला लाइन क्या हो जाएगा? पहला तो ये होगा y इक्वल टू x, क्यों? क्योंकि भाई ये एक्यूट एंगल पे है तो स्लोप प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? टू पाई पे, तो इसमें क्या होगा? या तो प्लस टू पाई होगा या फिर y इक्वल टू x माइनस टू पाई होगा, यही दोनों हो जाएगा। x में या तो टू पाई को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये लेना है या ये लेना है ये किस बात पे डिसाइड करेगा? वो इस बात से डिसाइड करेंगे कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? टू पाई पे। यानी अगर इस लाइन में वाई की वैल्यू जीरो करें तो एक्स कितना आना चाहिए? टू पाई आना चाहिए। देखो अगर इसमें वाई को जीरो करोगे तो एक्स कितना आएगा? माइनस टू पाई। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें देखो वाई को जीरो करोगे तो एक्स क्या आएगा? टू पाई, तो ये हो गया। बस इसको लिखना। अब देखो अगर इसको लिखना है तो क्या आ जाएगा? वाई इक्वल टू, देखो ना कैसा है, ऑपोजिट साइड का है, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। पहला लाइन तो ये होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। सेकंड क्या लिखना है? सेकंड ये है कि भाई देखो x एक्सिस को ये भी कितने पे कट कर रहा है? तो 2 पाई पे ये भी कट कर रहा है। ये भी 2 पाई पे ही था और ये भी 2 पाई पे था, कोई बात नहीं, अब कट कर रहा है तो कर रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? या तो प्लस 2 पाई करेंगे या y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई करेंगे। ये तो था कि भाई माइनस जो भी लिखा तुमने उसमें 2 पाई या तो ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा, इन दोनों में से होगा। ठीक है, मैं दोनों बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। ठीक है ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोनों लिख के देख लिया करो, ठीक है, तुरंत आ जाएगा। अब इसमें x का वैल्यू क्या है? 2 पाई है, x का वैल्यू 2 पाई, यानी इस लाइन में y 0 करोगे तो x 2 पाई आना चाहिए। देख लो अगर इसमें y 0 करोगे तो x 2 पाई आ जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। इसमें देखो इसमें अगर y 0 करोगे तो x कितना आएगा? माइनस 2 पाई, यानी ये गलत हो गया। गलत हो गया, सिंपल है, समझ गया ना? अरे बेटा वाई इक्वल टू एक्स थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट से मतलब क्या है? कोई अब ये देखो ये वाई इक्वल टू एक्स है, ये आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना, हमें लाइन का वही सेगमेंट कंसिडर करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो ना। तो वाई इक्वल टू एक्स केवल जीरो से पाई के लिए डिफाइंड है, तो इसीलिए आगे वाली लाइन हम नहीं लेते। शुरू से बोलता आ रहा हूँ ना, तो किसी भी ग्राफ का वही पार्ट हम लेते हैं जहां पर वो डिफाइंड है। तो वाई इक्वल टू एक्स तो अनंत है ना, इन्फिनिटी पे लाइन है ना यार, दो रो रे है, एक ऊपर भी रे जा रहा है नीचे भी रे जा रहा है। अब उस रे का जो सेगमेंट डिफाइंड होगा वो ले लिया, बाकी हमने छोड़ दिया। चलो और भी डाउट इसको नहीं ना। चलो अब एक एक बात समझो यहाँ पे, ठीक है ना, अब समझ लिया तो कुछ आए तो इसको ये लिख सकता है। ये मैं यही लिख रहा हूँ, देखो जो लिखा है ना y इक्वल टू एक्स जीरो से पाई में, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू पाई, पाई से टू पाई, वही जो डेफिनेशन तुमने यहाँ लिखा उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, फंक्शन के फॉर्म।
ये मैंने यही कंसिडर करके लिख दिया, ठीक है ना, मतलब ये इसका डेफिनेशन हो गया। लिख लिया, देखो अब देखो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ भी साइन पर साइन एक्स में ऑब्जर्वेशन हमने निकाला था कि भाई अगर ये नंबर ऑड पाई में आ रहा है तो ऑड पाई प्लस में होगा, एक्स डिफरेंस जो होगा वो एक्स वाला पार्ट नेगेटिव में आएगा, ठीक है, अगर एक्स में इवन पाई वाला आ रहा है तो एक्स पॉजिटिव होगा इवन पाई नेगेटिव में, मतलब यहाँ ऑड टाइम्स पाई भी था इवन टाइम्स पाई भी था। लेकिन यहाँ देखो यहाँ बड़ा ही स्पेशल केस है वो ये है, देखो एक्स केवल है पाई नहीं है, तो पाई नहीं का मतलब क्या हुआ, पाई का मल्टीपल जीरो है समझो यहाँ पे, अगला फोर पाई आ गया। अब सोच के देखो यहाँ भी टू पाई था, यहाँ भी टू पाई था, यहाँ फोर पाई आ गया, यानी बीच में क्या कट गया, थ्री पाई, यानी थ्री पाई तो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा मैं तुम्हें दोबारा एक बार समझा, ठीक है, देखो यहाँ देखो ये देखो एक लाइन बना दिया मैंने, देखो ध्यान से, अब ये देखो ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू पाई माइनस x है, ये x माइनस टू पाई, फिर फोर पाई माइनस x, फिर x माइनस फोर पाई, फिर सिक्स पाई माइनस x, फिर आगे क्या गया x माइनस सिक्स पाई, यानी हो क्या रहा है कि इसमें केवल इवन टाइम्स पाई आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ जीरो पाई आया, यहाँ टू पाई आया, यहाँ भी टू पाई, यहाँ फोर पाई, यहाँ फोर पाई, यहाँ सिक्स पाई, यहाँ सिक्स पाई, फिर एट पाई, फिर एट पाई, यानी हो क्या रहा है केवल इवन टाइम्स पाई आ रहा है, और तो आ ही नहीं रहा है इसमें, ये क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। वहां देखो वहां पर क्या था, ऑड भी आया था, अगर ग्राफ तुम्हें याद हो तो उसमें ऑड भी आ रहा था इवन भी आ रहा था, मतलब एक बार y इक्वल टू x, फिर पाई माइनस x, फिर टू पाई, इस तरह से आ रहा था, मतलब ऑड पाई भी आ रहा था इवन पाई भी आ रहा था, यहाँ पे केवल और केवल क्या हो रहा है, इवन पाई आ रहा, ऑड पाई का रोल ही नहीं है, यानी इसका देखो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि cos इनवर्स cos 30 का वैल्यू बताओ ये कितना आ रहा है, तो प्रोसेस वही भी है जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया था ना, सेम प्रोसीजर यहाँ भी करें, यानी हमें क्या लिखना, हमें ये लिखना है 30 प्लस n पाई, ठीक है 30 प्लस n पाई, और फिर वही है n के वैल्यू डालते जाना है, और क्योंकि देखो cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, जीरो से पाई, cos इनवर्स का रेंज जीरो से पाई, याद है ना, इसका था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो हमने उसके अनुसार n को डाला, इसका रेंज क्या आएगा, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई बोले तो जीरो टू 3.14, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें n को उस तरीके से वैल्यू डालेंगे जिसको डालने के बाद इसका डिफरेंस क्या है, इसके बीच का है, और n डालेंगे क्या भैया, n क्या डालेंगे, n यहाँ पर केवल इवन नंबर आएगा, वही मैं समझा रहा हूँ, देखो पाई का मल्टीपल क्या इवन है, यानी n क्या डालेंगे, अगर इसको क्लियर लिखा जाए ना तो देखो ऐसा मतलब 30 प्लस 2n पाई, ये इसका मतलब, क्यों, क्योंकि भाई इसमें n इवन ही है केवल, ऑड तो आ ही नहीं रहा है, तो ऑड जब आ नहीं रहा तो डायरेक्टली इवन नंबर ना बना लें, अब इसमें n 2 3 कुछ डालो हमेशा इवन ही रहेगा, 2n है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, अब n को देखो n को क्या डालेंगे, ऑब्वियस बात है कि 30 है तो ये कितना होना चाहिए, लगभग सोचो क्या आएगा, 10,
यानी क्या आएगा 30 माइनस 10 पाई। इसमें हमें 9, 7 या 11 नहीं डालना, इसमें या तो 8 डालेंगे, 8 के बाद 10 डालेंगे, 10 के बाद 12 डालेंगे, या इसमें बोले तो इसमें 1, 2, 3 कुछ भी डालो अपने आप 2 के साथ लेके वो 8, 10, 12 कर लेगा वो। ये ऐसा क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल इवन टाइम्स पाई अपीयर हो रहा है, ऑड पाई आ ही नहीं रहा है इसके आउटपुट में। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट करने के लिए ऐसे ही करेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है इसमें, इवन पाई क्यों डाल रहे हैं हम लोग। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, नंबर नेगेटिव में आया तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर एंड 10 डालोगे तो 10 जब डालोगे ना 10, देखो 10 डालने के बाद क्या होगा, जब हम लोग 10 अप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 10 पाई। अब देखो 10 × 3.14 कितना होता है, ये हो जाएगा 30 माइनस 31.4, बोले तो -1.4 आ गया। अब सोच के देखो, ये अपना था कॉस इनवर्स और इसका रेंज कभी भी 0 से पाई के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी इसका रेंज तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, समझ रहे हो ना भाई, इसका नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, और इसका डिफरेंस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जैसे डिफरेंस नेगेटिव आया ना, तुरंत उसको पलट दो, यानी क्या लिख दो 10 पाई माइनस 30, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 10 पाई माइनस 30, सिंपल। नाइन नहीं डालेंगे बेटा, बता तो रहा हूं 9 डालना ही नहीं अपने को। शिवेश क्लियर हुआ कि अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई जो हमने कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ देखा, ये क्या था, ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट था, ये इसका कंक्लूजन समझो, कि मतलब हमने पूरा काम करने के बाद एक सिमेट्री उसमें जनरेट होते हुए दिखा हमें कि भाई सब में क्या आ रहा है, कि सब में इवन पाई आ रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये आपका कंक्लूजन है, ये स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है, ये तो स्टार्टिंग का, ये सारे पार्ट हमने स्टार्ट ग्राफ से किया, फिर इस सबका ग्राफ का क्या नाम है इक्वेशन लिखा हमने हर एक लाइन का, फिर जब लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें एक कंक्लूजन या फिर एक सिमेट्री जनरेट होते हुए दिखा, और वो क्या दिखा कि भाई सब में एक्स के साथ केवल इवन पाई आ रहा है, ऑड पाई तो आ ही नहीं रहा था, साइन में क्या था ऑड पाई भी आ रहा था इवन पाई भी आ रहा था, ये कैसे आ रहा था जब इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख रहे थे, यहाँ पर केवल इवन पाई आ रहा है, तो केवल इवन पाई आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका आउटपुट में केवल इवन रहेगा, इसमें ऑड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो तुम ये लिख रहे हो ना, जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते इक्वल टू 2n π + x, ठीक है ना, ये ऐसे लिख सकते हो बिलोंग्स टू 0 to π, मतलब find n such that 2n π + x belongs to 0 to pi. मतलब ये जो पूरा नंबर था ना, इसको कंक्लूड करके हमें बस यही याद रखना है 2n π + x, x 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जो मर्जी हो दे दे, फर्क ही नहीं पड़ता अगर हमें ये याद है। अब बताओ कंक्लूड किया मैंने, अब बताओ पूरे पार्ट में किसी में डाउट है क्या, अगर मैं तुमको कॉस इनवर्स कॉस 50 बोलता हूँ निकालने के लिए, क्या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, कुछ भी मैं बोल दूं तो क्या आप निकाल सकते हो, सार्थक क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, समझा नहीं मैं। अच्छा लास्ट स्टेप में बेटा मैंने ये लिखा है कि इस पूरे का जो है ना, ये तो इंडिविजुअल है ना, देखो ये कब डिफाइंड होगा इसके लिए, ये कब डिफाइंड होगा इसके लिए, ये कब डिफाइंड होगा इसके लिए, तो हर एक इंटरवल में अलग अलग डिफिनेशन है। अब मैंने इस पूरे को कंक्लूड करके ये सिंपल ये लिख दिया कि भाई आपका जो भी आया, ये जो आंसर आएगा हमेशा 2n π + x आएगा,
बस ये उल्टा अच्छा ये बिलोंग्स टू है ना, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी दिस नंबर जो भी है पूरा का पूरा ओवरऑल नंबर है ना, ये जीरो से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, वही नीचे वाला लाइन लिखा ना, इसका मतलब कि फाइंड एन, ये जो एन है सच दैट दिस नंबर जो भी है बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, जीरो टू पाई मतलब, जीरो टू पाई मतलब जीरो से 3.1, जैसे यहाँ क्या था ये लिखा था ना 2n पाई प्लस 30, n का क्या होना था, n को 10 होना था, माइनस 5, n को माइनस 5 डाला तो क्या आ जाएगा माइनस 10 पाई प्लस 30, यही तो आया था, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंस नेगेटिव था तो इसको उल्टा कर दिया हमने, यानी आंसर क्या लिख दिया 10 पाई माइनस 30। जब भी कभी तुम्हें पहला काम क्या होगा, पहला काम n को सर्च करना, n को सर्च करना जिसके लिए ये क्वांटिटी जीरो से पाई के बीच में आए, ठीक है ना, वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, बस हमें डिफरेंस देखना, जैसे यहाँ डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा माइनस 1.4, अब नेगेटिव में आ रहा है ना तो नेगेटिव से मतलब नहीं है भाई, हमें बस एब्सोल्यूट वैल्यू देख 1.4, ठीक है 1.4 जैसे डालोगे भाई उसके बीच का है, नेगेटिव था तो इसको हमने उल्टा कर दिया। अगर मान लो इसमें कंफ्यूजन है, एक और समझ लो, अगर मान लो 1.4 आ गया, आप कोई 10 की जगह कम कर दो 8 करोगे ना 8, अब मान लो अगर डिफरेंस हमें तो इसके बीच का है ना, इसके बीच का मतलब क्या हुआ, हमें तो इसके बीच का आना चाहिए भैया, ये तो डिफरेंस नेगेटिव आ गया, हम तो इसके बीच में डालेंगे, तो तुम अगर इसको और छोटा करोगे ना जैसे 8 पाई करोगे तो उसका डिफरेंस पाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, वो हमेशा है, तो बस ये ध्यान रखना डिफरेंस हमेशा जो होना चाहिए वो वैल्यू जो होना चाहिए इसके बीच का होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो 1.4 है या -1.4 है वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा ये भी तुम सोच सकते हो, पड़ा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा भैया इसमें, इसलिए नहीं पड़ रहा कि अंदर क्या है cos x, ये देखो cos x है, और cos x क्या होता है देखो यहाँ cos x लिखो या cos of minus x लिखो, फर्क पड़ेगा क्या भाई, cos के अंदर minus x लिखो या cos के अंदर x लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि cos क्या इवन फंक्शन है, वो माइनस को कंज्यूम कर जाएगा, बताओ यहां तक किसी को डाउट, किसी को डाउट किसी पार्ट में, चलो अब मैं कुछ लिखता हूं जल्दी जल्दी आप फाइंड करो उसको, ठीक है, सर कॉस अगर माइनस एक्स, हाँ कॉस के अंदर माइनस एक्स डालोगे ये है ना कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यही तो होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस के अंदर माइनस है ना तो फर्क पड़ेगा नहीं ना, ये इवन फंक्शन होता है माइनस को कंज्यूम कर जाएगा, चलो आंसर बताओ 1 2 3 नंबर 1 2 3 4 जल्दी, अब ये मत बोला सर हमें वो 2n पाई प्लस x याद ही नहीं रहेगा, याद तो करना पड़ेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, याद तो करना पड़ेगा ना, समझ के याद करना जरूरी है, रटना नहीं चाहिए, रटोगे तो फिर भूल जाओगे, आप अगर चीज को अंडरस्टैंड करके समझ को अगर उसके बाद याद करते हो ना तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है, किसी चीज को याद करने के पीछे लॉजिक क्या है ना वो अगर आपको याद है तो वो कंसेप्ट आप लंबे टाइम तक याद रखोगे, रट लोगे तो भूलना स्वाभाविक है, वो तो नेचुरल है, हालांकि भूलोगे ये भी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसे समझ के याद करो फिर अपने आप चीजें रहेगा, हाँ रिविजन जरूरी है बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस बात है, आंसर में आंसर ऐसे मत आंसर ही लिखे ना सम पाई माइनस एक्स टेन, टेन माइनस सम पाई या सम पाई माइनस टेन वो आंसर लिखे,
चलो आदित्य का आंसर आया 4π-10 फर्स्ट का, तरीका वही है भाई, हमें देखो ये दिखाई दे, यही हमें सोचना ही है, तरीका तो यही है। नहीं हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है 2n π + 10। अब n सर्च करो, जिसको डालने के बाद वो थोड़ा आराम से पता चल जाता है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अगर ऐसा चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो n π + 10, बस उसमें ध्यान रखना n हमेशा इवन नंबर डालना पड़ेगा, यानी 2, 4 इस तरह से। तो क्लियर बात है पाई होता है भाई, ये अपना हो गया 3.14, ये 10 है, तो या तो देखो 4 डालेंगे 4 × 3 लगभग 12 आएगा, तो लगभग हो सकता है 4 से आ जाए, 4 से बड़ा करोगे अगर, क्योंकि 6 डालना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर अपने काम का नहीं जाएगा, समझ रहे हो। अब 4 से कम डालेंगे 2, तो 2 भी इसका डिफरेंस बड़ा ही रहेगा, तो इसका मतलब शायद शायद 4 ही हो, यानी अगर -4π + 12 10 का, तो माइनस अगर 4π करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 × 3.14 यानी 12.56 माइनस में, तो ये कितना जाएगा -2.56। तो देखो डिफरेंस अगर हटा दें नेगेटिव वाला, तो 2.5 से ऑब्वियस बात है 10 से 3.14 के बीच में, तो क्लियरली यही हो रहा है, लेकिन डिफरेंस नेगेटिव आ गया ना, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 10 4π - 10, साइन चेंज कर देंगे, आप 3 पूछोगे ना तो ऑनलाइन पिटाई शुरू कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं, घुस के मारूंगा अंदर लैपटॉप या मोबाइल जो भी तुम्हारा, कितनी बार बोल रहा हूँ कि एन हमेशा इवन होगा, 3 क्यों डालेंगे, चलो भाई आदित्य का सेकंड थॉट फोर्थ भी आ गया, बहुत बढ़िया। स्वास्तिक का 6 20 - 6π, चलो आदित्य का और स्वास्तिक का सेम है, ओके। और किसी का, देखो मैं 4 दे रखा हूँ, आप चाहो तो अपने मन से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आप कॉस इनवर्स कुछ भी कॉस लिख लो, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये सब चीजें खुद से जनरेट कर सकते हो। चलो भाई और किसी का सेकंड का, सेकंड है 20 है, क्या करेंगे 20 + 2n π, पाई कितना होता है भाई, तुम ऐसे लिख सकते हो 2n π × 3.14, या फिर ऐसे लिख सकते हो n, जैसे मर्जी है, बस ये नंबर हमेशा इवन होना चाहिए, आपके लिखने का तरीका क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें मैं नहीं बोल रहा, ठीक है ना, ये मर्जी आपकी है, एन लिखो 2n लिखो जो मर्जी वो लिखो, बस ये नंबर जो तुम लिखोगे वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, एन लिखोगे तो 2, 4, 6 जाएगा, 2n लिखोगे तो 1, 2, 3 जाएगा, क्योंकि 2n में 2 ऑलरेडी है, तो n को 1, 2, 3 डालोगे तो वो इवन ही रहेगा, ठीक है। चलो अनवी का भी 6π - 20 है, अच्छा किसी का 20 - 6π है, और इस देखो ये गलत है यार, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब इसमें 4π - 10 था या 10π - 4π है, ये तो ऑब्वियस बात है ना, पहला तो काम डिफरेंस देखना, फिर उसके बाद डिफरेंस नेगेटिव है तो साइन चेंज कर दो, नेगेटिव नहीं है तो एज इट इज कैरी कर लो, नेगेटिव जरूर है थोड़ा चेंज कर लो, अगर मान लो कपड़े पहन लिए हमने उल्टा है तब तो सीधा करेंगे, अगर ऑलरेडी सीधा पहना है तो उसको क्या करना, तो भाई सही है। अब इसमें एन को क्या डाला जाए, एन को 6 सब डाल ले तो 6 ही डाल देता हूं मैं, तो 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 14 6 84, यानी 18 × 84, यानी ये लगभग 1.16 आ रहा, बहुत बढ़िया, तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, ऑलरेडी डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, और 0 से π के बीच का भी है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर हो गया, तो क्या हो जाएगा 20 - 6π, दिस इज द करेक्ट आंसर। अनवी ठीक है, समझी, गलत है तुम्हारा।
अनिल क्लियर हुआ? साइन चेंज करना कंपलसरी नहीं है, साइन चेंज करना इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिफरेंस आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो एज इट इज कैरी कर देंगे जो यहाँ पर किया, अगर नेगेटिव आ गया तो यू हैव टू चेंज द साइन। चलो इसने स्वास्तिक का थर्ड आ गया, आदित्य का थर्ड और फोर्थ दोनों आ गया। चलो आदित्य का थर्ड और स्वास्तिक का थर्ड, थर्ड कौन बनाया है थर्ड? अच्छा अच्छा आदित्य का स्वास्तिक का दोनों का सेम है, सार्थक का अलग आ गया। देखो बेटा सार्थक मैं बता रहा हूं अंदर घुस के पिटाई करूंगा मैं, 15 पाई कैसे होगा? बार बार बोल रहा हूँ पाई का मल्टीपल इज ऑलवेज इवन नंबर, पाई का जो मल्टीपल होगा वो कॉस इनवर्स कॉस में हमेशा इवन नंबर लेना है, वी हैव टू टेक ओनली इवन नंबर्स। सार्थक ठीक है समझा? देखो जब पढ़ाई कर रहे हो तो कंसंट्रेट करके करो, हाँ आगे पीछे अगर कुछ हो रहा होगा डिस्टर्बेंस तो उसको गायब करो, रूम बंद करो, ठीक है? अकेले रूम में स्टडी करो, जैसे क्लासरूम टाइप का ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज चीजों को फिर वो मतलब उतना आउटपुट आप नहीं ले पाओगे जितना लेना चाहिए। स्टडी हमेशा एक प्रॉपर एनवायरमेंट में होना ही चाहिए। घर पर हो आप प्रॉपर, अगर मतलब क्लासरूम की माहौल आप मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएट करना, ठीक है ना? आप थोड़ा माहौल क्रिएट करो उस तरह से, रूम में बंद रहो एक रूम में, जब भी क्लास हो तो आपको कंसंट्रेशन तभी तो बनेगा ना। मान लो अगल बगल कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो कैसे कर पाए, आधा दिमाग तो वहीं चला जाएगा। और ये तो मैथ्स है, मैथ्स में तो पूरी की पूरी 110% देना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड का भाई चलो थर्ड का काफी लोगों का सेम आ रहा है, आंसर लिखते हो तो नंबर लिख के लिखा करो, थर्ड मतलब थर्ड डाल दिया करो ताकि मैं बोल पाऊंगा ना फिर। चलो 45 माइनस 14 पाई बहुत धोखा आया, 45 माइनस 14 पाई मैं लिख देता हूं, और फोर्थ का फोर्थ बताओ, फोर्थ का स्वास्तिक का आ गया, आयुष का आ गया, आयुष और स्वास्तिक का अलग अलग आंसर है भाई, आदित्य का और स्वास्तिक का सेम है। मतलब ये आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको डिफिकल्ट बनाना चाहते हो वो अलग बात, ठीक है ना? हमें क्या लिखना, हमें ऐसे लिखना 79 प्लस 2 एन पाई, अब ये पाई कितना होता है 3.14 और ये 79 है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई किया रहे हैं, इवन नंबर से, इवन नंबर से जिससे कि ये इसके पास पहुंच, तो भाई ये तो 20 करेंगे तो भाई 60 होगा, 24 करेंगे तो 72 होगा, 26 करेंगे तो 78, शायद 26 तो हो पाए, मतलब हो सकता है, होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, देखना पड़ेगा। देख एक नंबर तो पता चल गया ना, 24 से अगर 3 से करते 72 के पास रहता शायद वो दूर रहेगा उससे, 26 करेंगे तो शायद उसके नियर बाय में पहुंचेगा, ठीक है ना? तो ये कितना होगा, शायद आ रहा है 78 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई फिर 14 देखो भाई ये आ रहा है 81.66 आ रहा है। तो अगर 79 माइनस 26 पाई करेंगे तो ये हो जाएगा 79, आई थिंक सही होना चाहिए, ये आ गया माइनस 2.66। तो देखो डिफरेंस क्या चाहिए, 0 से 3.14 बिल्कुल आ रहा है, हमें माइनस से फिर बोला मतलब नहीं, हमें तो वैल्यू से मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बीच का है, अपने को नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 26 पाई माइनस
चलो अब हो जाना चाहिए यार, आप अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते इसमें, इसमें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप अपने से खुद से लिखना ठीक है ना, कॉस इनवर्स कॉस 20 लिख लिया, 10 लिख, कुछ भी लिख दिया, थोड़े बहुत प्रैक्टिस चाहिए ठीक है, टाइम का लिमिटेशन है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख सकता, आप खुद से लिखो ठीक है ना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इनवर्स में प्रैक्टिस चाहिए तभी कॉन्फिडेंस आपका जनरेट होगा, अदरवाइज समझोगे फिर भूल जाओगे, फिर उसको वापस रिकॉल करना नया टॉपिक पढ़ने के बराबर है इनवर्स, इनवर्स अगर ठीक से निकाल दिया तुमने तो कैलकुलस बहुत खेलते हुए निकल लेंगे हम। चलो अब कॉस टैन प्लस टैन एक्स पे आते हैं, देखो अजीब अजीब ग्राफ नहीं है, ग्राफ थोड़ा याद करना भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, ग्राफ डिमांड करता है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आपने आपने स्टडी किया खत्म हो गया, आप उठने जा रहे हो तो उसमें 5-10 मिनट टाइम दो, याद करो भाई कौन कौन सा ग्राफ मैंने याद किया था, एक बार टॉपिक लिया सबका ड्रॉप कर दिया, अच्छा ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ऐसा होता है, सबको खींच दो एक बार, फिर काम खत्म हो गया, जो तुम्हें लगे कि मैं भूल गया उसको वापस रिकॉल कर लो, फिर जैसे अगले बार तुमने पढ़ने बैठे या पढ़ने उठो, दोनों में से कोई एक बार, या तो हमने स्टडी के लिए बैठने जा रहे हैं या उठने जा रहे हैं, दोनों में कम से कम एक बार आप उठते समय या बैठते समय जितना ग्राफ आपने सीखा है एक बार आप मैं आप स्केच करो, पेज पलट के नहीं होता, आप पेज पलटोगे और याद करोगे तब तो वो तो भाई पेज देखा हुआ है, वो तुम्हें क्या करता है बेवकूफ बनाता है, तुम्हें लगेगा कि भाई मेरे को याद है ठीक है ना, साइकोलॉजिकल चीजें हैं, तो बेहतर है कि भाई जब भी आप पढ़ने बैठो या उठो तो एक बार सबका लिख लिया तुरंत बनाना शुरू कर दिया, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको इस पूरे को बनाने, लेकिन जैसे आप 5-7-10 दिन बनाओगे ना एकदम से आपके फिंगर टिप पे सारे ग्राफ हो जाए, कोई भी कभी भी तुमसे पूछ दे तुरंत आप बना दोगे ग्राफ क्या है ठीक है, तो ये डिमांड करता है प्रैक्टिस का, स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे, कुछ दिन तक बस आपको करना है फिर उसके बाद तो याद ही हो जाएगा। सिंगेज बेहतर है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सिंगेज इज द बेटर बुक अभी के टाइम में, उसमें आपके प्रैक्टिस एग्जांपल बहुत सारे दे रखे हैं, कंसेप्ट भी ठीक ठाक है अच्छा खासा, चलो बना लिया, अब वो जो 4 बातें हम लिख रहे हैं वो आप खुद से लिखो, ये ध्यान रखना ओपन सर्कल है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं बार बार बोलता रहा हूँ जो लाइन इस तरीके से स्लोप 1, जो लाइन ऐसा स्लोप -1 ठीक है ना, उसमें मैं बार बार अब नहीं बोलूंगा, जल्दी जल्दी लिखो 4 पॉइंट, कोई भी ले लो पुराना एडिशन नया एडिशन फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत फर्क होता है ज्यादा अंतर नहीं होता, अगर खरीदना चाहते हो तो अलग बात है, जो पढ़ा है उसको यूज करो, पूरे ITF का ये वाला Type 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट डिफिकल्ट, जो तुम्हें बोलना हो बोलो, है ये आपने समझ लिया याद कर लिया फिर तो आप कुछ है नहीं इसमें बचाओ, डोमेन का मतलब है वो एक्स का वो पार्ट जहां पर फंक्शन का ग्राफ है, रेंज रेंज का मतलब वाई में वो पार्ट जहां पर फंक्शन ग्राफ पहुंच रहा है,
पीरियड वो मिनिमम लेंथ जो बार बार रिपीट करे, ऑड इवन, ऑड का मतलब होगा ओरिजिन के अबाउट या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, और इवन का मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। देखो खुद से लिखोगे तभी सीखोगे, ये ध्यान रखो, यही यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं लिखूंगा आप छाप लोगे, उससे कोई फायदा नहीं, एडवांटेज नहीं है। जो बताना था वो मैं आपको लर्न करा चुका हूँ या सिखा चुका हूँ। अब एप्लीकेशन का पार्ट, आप खुद से पढ़ो, खुद से दिमाग दौड़ाओ, फिर लिखने की कोशिश करो। गलत है वो अलग बात, ठीक है, लिखना जरूरी है, बाकी तो हाँ बिल्कुल बाहर नहीं जाना भाई, कोरोना बाहर कोरोना पकड़ लिया तो फिर पता नहीं, अभी तो मत जाओ, ये तो बेस्ट टाइम है तुम लोग स्टडी करने का यार, घर पे सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, दोस्त नहीं मिल रहे, बाकी सब जो काम की चीजें वो तो तुम्हें दी जा रही है ना, अब उसका यूज यूज करो जितना आप अच्छा यूज कर सकते हो, रिसोर्स मिल ही रहे हैं, सब कुछ मिल ही रहा है, तो अब आपके ऊपर है ना, अब उसको कितना ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हो, ये तो हर इंडिविजुअल के ऊपर है। बहुत बढ़िया रोहित ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, पीरियड पाई है, बहुत बढ़िया। अब अगर सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पीरियड का मतलब पहले पहले तो डोमेन बता, डोमेन का मतलब है ग्राफ हर जगह है, लेकिन देखो ये ओपन सर्कल है और ये ओपन सर्कल है। अगर मैं पूछूं कि पाई बाई टू पे आउटपुट क्या है तो क्या बोलो भाई, ये पाई बाई टू पे कोई आउटपुट ही नहीं है, देख रहे हो पाई बाई टू पे क्या आउटपुट है, यहाँ भी ओपन है और यहाँ भी ओपन है, यानी पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यानी पाई बाई टू इज नॉट इन द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। सिमिलरली 3π/2 देखोगे तो देखो वहां भी ओपन सर्कल है, ये ओपन सर्कल है, यानी ये भी डोमेन में नहीं है, ये भी डोमेन में नहीं है, यानी ऑड पाई बाई टू के मल्टीपल जो है ना वो डोमेन के पार्ट नहीं है। वो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अंदर tan x है ना, tan x कहां पे डिफाइंड नहीं होता है, ये अंडरस्टूड है यार। अंदर टैन है, टैन डिफाइंड पे कहाँ कहाँ पे डिफाइंड होगा, जहां पे कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो कहाँ पे होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो पूरे रियल नंबर में से हमने पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 सबको हटा दिया, माइनस का मतलब एलिमिनेट कर दिया। रेंज देखो वाई में टैन इनवर्स है ना, टैन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 दोनों पे ओपन ब्रैकेट। पीरियड देखो ये मिनिमम लेंथ है, दिख रहा है ये लेंथ सेम हुई है, फिर सेम हुई है, फिर सेम हुई है, यानी ये कोई भी एक लेंथ ले लो, ये लेंथ है ना वही बार बार रिपीट हो रहा है, और इस लेंथ का जो ग्राफ का है इसका कितना विड्थ है, पाई बाय टू, 3π/2 यानी पाई हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाई आ जाएगा। चलो आखिरी पॉइंट, हाँ बोल बहुत सही। अब देखो ऑड इवन में क्या है, ओरिजिन के अबाउट सॉरी इसके अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्योंकि अगर वाई एक्सिस में इधर है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाना चाहिए, नहीं जा रहा है ना तो इवन तो नहीं है। ऑड का मतलब जो फर्स्ट में वही थर्ड में वो तो रहा है, देखो ये फर्स्ट वाला होगा ये थर्ड में होगा, देखो ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, ये नीचे गया तो ये ऊपर आया, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है, फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ का सेकेंड, फर्स्ट का फिर थर्ड, तो ये इवन ऑड हो जाएगा। पीरियड है ना, अरे यार देखना कोई भी लेंथ, ये लेंथ निकालना है तो ये लेंथ कैसे निकालता भाई, ये पाई बाई टू लेंथ है और ये भी लेंथ पाई बाई टू है, तो ऐड करोगे तो पाई बाई पाई पाई तो आएगा, 2π का मतलब तुम्हें यहां से यहां तक लेंथ देना, ये देखो ना ये 0 से 3π/2 है, 3π/2 हो गया और इसमें π/2 ऐड करोगे तो ये पूरा लेंथ 2π का है ना, अब दिख रहा है इसमें तो सेम चीज दो बार रिपीट हो गया, दोनों हाथ के बीच में दिख रहा है भाई, ये सैंड के बीच में दो ग्राफ है, दोनों सेम है ना, तो ये तो आधा यही हुआ ना, यही तो रिपीट हो गया, ठीक है। लाइन का इक्वेशन लिखो, नहीं नहीं
पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू क्यों लेंगे भाई? मैंने बोला था मिनिमम लेंथ जो बार बार रिपीट हो। अगर पाई बाय टू से, अगर पाई बाय टू से यहां तक जाओगे तो डिफरेंस करेंगे ना यार, लेंथ थोड़े ऐड करते हैं भाई। ये लेंथ निकालना है, तो थ्री पाई बाय टू यहाँ से यहां तक लेंथ, और ये लेंथ पाई बाय टू है, तो इस पूरे लेंथ में अगर ये लेंथ सबट्रैक्ट करेंगे तब तो ये लेंथ आएगा ना, यानी थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू दैट इज इक्वल टू पाई। चलो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, अगर गलत हो जाए ना तो मेरे तरफ से एक एक चाटा अपने आप को मार लेना, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गलत हो रहा है। लाइन का क्वेश्चन लिख लिया, बड़ा सिंपल है यार ये, बड़ा आसान होती है ये। वाई इक्वल टू एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस पाई, अब देखो इसका भी अगर ऑब्जर्वेशन करो ना तो इसमें स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, यानी आंसर क्या रहा, इसका आंसर आएगा x प्लस एन पाई। देखो ना स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, यानी इसका आउटपुट जो लिखेंगे उसमें x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा प्लस एन पाई। अब देखो पाई एक बार माइनस वन तो माइनस वन हो जाएगा, या माइनस टू आगे माइनस थ्री, यानी n कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, या फिर ऐसे लिखो फाइंड n सच दैट x प्लस एन पाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई। जो आया वही चिपका दो, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये कुछ कुछ साइन टाइप का है, अगर तुम्हें याद हो साइन एक्स का भी रिजल्ट हमने यही लिखा था, बस फर्क था उसमें। इनफैक्ट उससे आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि वहां पर ऑड पाई माइनस एक्स और एक्स माइनस इवन पाई, यानी वहां ऑड और इवन दोनों का चक्कर था, यहाँ तो केवल भाई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर इसमें एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पाई वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो एन वन टू थ्री मतलब वही माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डालते जाओ, अपने आप जो आउटपुट आएगा वही चिपका देना। मतलब आप थोड़ा कन्वीनियंट लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अब इसमें भी डाउट थी तुम्हें समझ में आए, फिर अगर हर चीज में डाउट रहेगा फिर सीखेंगे कौन। हाँ आप थोड़ा लगना चाहिए इसमें, मतलब डाउट है क्या किसी को यहाँ तक कहने, मतलब ये मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा, दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ का जो आउटपुट लिखा है ना उसी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया एक लाइन में। बाकी तुम, मैं पहले क्लास में बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स में ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लिख ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं चीजें, याद हो, क्योंकि भाई टाइम और एक्यूरेसी दोनों मैटर करते हैं रिजल्ट को सिक्योर करने, ठीक है ना, ठीक है ना, कर लोगे ना। मतलब मान ऐसे पूछू टैन इनवर्स एक निकालो, टैन इनवर्स टैन 17 एक वैल्यू बता दो, एक इसका जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, चलो समझ गए मुझे लगता है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप सबका सेम आंसर आ रहा है।
देखो इसमें फिर मैं बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर रिजल्ट हमने केवल एक लिखा है, ठीक है ना। यहाँ जो आएगा ये ना एक्स प्लस एन पाई, इसमें एक्स को नेगेटिव कर ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव था। साइन और कॉस दोनों में याद करो, दोनों में एक बार इधर भी था और इधर भी था, यानी उसमें एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। टैन में तो हर एक का पॉजिटिव है, तो इसमें एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स का मतलब ये जो गिवन नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी इसको हमेशा 17 प्लस एन पाई लिखेंगे। अब एन ढूंढू जिसके पास ये नंबर आ जाए, एन वही -6 आएगा। 17 -6 पाई करोगे बस यही अपना आंसर हो जाएगा। फाइव पाई बहुत छोटा हो जाएगा ना, 6 पाई कितना होगा? 6 × 3.14 यानी क्या हो जाएगा? 18 पॉइंट। अच्छा बड़ा हो गया क्या? अच्छा ये तो बड़ा हो गया है, कैसे बता दो? -1.84 आ गया ना यार, ये तो डिफरेंस डिफरेंस तो इसके बीच का होना चाहिए ना। अब ये तो बड़ा हो गया डिफरेंस, इसके बीच में है ही नहीं, यानी इसको कम करना पड़ेगा ना। 17 - 5 5 बिल्कुल सही है। किसने दिया सबसे पहले? ये स्वास्तिक ने, बहुत बढ़िया स्वास्तिक। शिवेश का भी यही है, प्रत्युष का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिक्स देखो यार जल्दी मत लो, टाइम और एक्यूरेसी में, एक्यूरेसी मैटर करता है, टाइम सेकेंडरी है, ठीक है ना। टाइम और एक्यूरेसी दोनों मैटर करते हैं, मतलब जल्दी भी करे और सही भी करे, तो कोई पड़े सही और जल्दी में कौन पहले नंबर पे है, तो सही जल्दी पहले नंबर पे, आपका आंसर सही जल्दी होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रत्युष सही है। समझ गया ना, निकाल लोगे ना आप इसमें। बोलो बोलो आगे बढ़े, क्राउड देने किसी को। डाउट है किसी को किसी पार्ट में? चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स कॉटेक्स में आते हैं। चलो ठीक है, ये भी कुछ कुछ टैन टाइप के ग्राफ है जो प्रीवियस था अपना।
ऐसे लिखते हैं चलो भाई बाकी लिख लिया होगा आपने आप सारे कुछ रिपीट हो रही है चीजों में। किसी ने पूछा सर क्लास कब ओवर होगी, तो मैंने हर एक क्लास का टाइमिंग सेम है, ड्यूरेशन मतलब क्लास का सर इस टफ क्वेश्चन अरे बेटा टफ क्वेश्चन नहीं है बेसिक्स, ये बहुत टफ थोड़े है क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, आपने कभी सुना नहीं है, बस यही है कि भाई टफ लग रहा है। जब दो बार तीन बार आप इसको रिवाइज करोगे ना तो फिर आपको यूज टू हो जाएगा, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। इनिशियल फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा है, बोला था मैंने शुरू में आरटीएफ है थोड़ा डिफिकल्ट, बस वही है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप इसको चीजों को थोड़ा प्रॉपर रिविजन करोगे ना तब वो यूज टू हो जाओगे, छोड़ दोगे पढ़ने तो आपको छोड़ देगा। चलो भाई डेफिनेशन डोमेन तो ऑब्वियस बात है आर माइनस एन पाई, रेंज दिख ही रहा है जीरो से पाई ओपन, वही है टैन का और इसका पीरियड सेम होता है पाई, ऑड है या इवन है एक मूवी आई नहीं थी आमिर खान की, कौन सी थी क्या नाम है उसका, एक बच्चे वाली तारे जमीन पे, उसमें वो जो बच्चा होता ना बच्चे वो बॉल की जो है ना वेलोसिटी वो मेजर नहीं कर पाता कि कितनी तेज फेंक रहा है वो, बॉल पकड़ना है कैसे ना? एक रिएक्शन कैसे देना है, वही कुछ लोग हैं यहाँ पे और इवन अभी भी उनको ग्राफ देख ही नहीं पा रहे यार। यार इधर देखो यार क्या करते हो यार, ठीक है क्या नाम उस बच्चे का भूल रहा हूँ क्या नाम था यार, जो भी हो मतलब हाँ उसी टाइप का है। ठीक अब ये देखो अगर इवन देखना है तो जैसा इधर जा रहा है वैसा इधर जाएगा, तो भाई ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना तो इवन तो नहीं हुआ। ऑड के लिए अगर ग्राफ फर्स्ट में है तो थर्ड में होना चाहिए, क्या फर्स्ट का थर्ड है, भाई थर्ड तो है ही नहीं कुछ भी, तो जब इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है तो नाइदर इवन नो, ठीक है। चलो नाइदर इवन नो लाइन का इक्वेशन लिख लिया होगा आई होप सबने, चलो बहुत दो लिख लिया। मैं लिखता हूं देखो ये अपना वाई इक्वल टू एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस टू फाइव, एक्स माइनस एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस टू पाई। अब ये भी देखो इसका भी स्लोप क्या है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव ही है, ठीक है। देना पॉजिटिव है ना, इसने भी टाइम वर्स टाइप नहीं है तो अगर इसका लिखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स प्लस एन फाइव फाइंड एन सच दैट ये भी टाइम इनवर्स टाइप का ही है, ठीक है।
है हाँ ध्यान रखना, इसमें एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी एन को सर्च करते जाओ जब तक कि इसका ड्यूरेशन इसके बीच में नहीं आया। इसके बीच में साइन में और कॉस में फर्क था, और टैन और कॉट में फर्क है। इनमें बस हमें एन को चेंज करना है, एक्स को चेंज नहीं करना। एक्स हमेशा पॉजिटिव था, है और रहेगा, इसमें एक्स पे कुछ करना ही नहीं, बस एन सोचो, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कॉट इनवर्स, कॉट निकालो इसका, एक्स नेगेटिव नहीं होगा ना टैन में ना कॉट में, दोनों में। चलो बहुत जल्दी दोनों का आंसर आ गया, सार्थक का और आदित्य का लगता प्रत्युष का भी आ गया। चलो अभी लगता है आई होप समझ गया तुम लोग। दो ही है, इसको क्या लिखना है, 23 + n5। पर ध्यान रखना डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव, जो डिफरेंस आना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में। यानी एन ऐसा नंबर डालना है जिससे डिफरेंस 23 से कम आए। ये जो नंबर बने ना वो हमेशा 23 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो जीरो से पाई, बोले तो 0 से 3.14 के बीच में होना चाहिए। हाँ ठीक है, सबका सेम आ गया। तो वही 7 डालोगे -7, तो -7 × 3.14 वो हमेशा 23 से कम रहेगा। तो ये सेम था टैन के लिए भी और कोट के लिए भी। कर लोगे? चलो अब लास्ट के दो ग्राफ वो अलग नहीं है, वो बहुत आसान ग्राफ है, क्योंकि वो वही ग्राफ है जो हम पढ़ चुके हैं। मैं बताता हूँ, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताया भी था जब साइन इनवर्स का ग्राफ और सॉरी सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ग्राफ बताया था। हालांकि नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं ये लिख दिया हूं तो इसका यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। देखो समझो ध्यान से, ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना। ये एक बार मैं ऑलरेडी लिख भी चुका हूँ जब मैं sec inverse और cosec inverse स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक। अब देखो इसको चेंज कैसे करें, इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec inverse, sec x को क्या लिख सकता हूँ 1 cos x। देखो कुछ देर के लिए इसको थीटा मान लो, देखो थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। ये हो गया sec inverse 1 upon cos x। अब कुछ ऐसा है, देखो ये होगा,
ये इसी टाइप का लिखा है, देखो इसमें क्या है, sec इनवर्स 1 बाई थीटा है, ये क्या है sec इनवर्स 1 बाई cos x, यानी यहाँ थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ cos x, दोनों सेम है ना, तो अगर इसके जगह पर ये लिखना हो, इसके जगह पर ये लिखना हो तो क्या हो जाएगा, जो थीटा नीचे था वो थीटा ऊपर आ जाएगा और sec इनवर्स की जगह cos इनवर्स, यानी ऐसे हो जाएगा इसके जगह पर cos इनवर्स और ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा समझा, ये ऐसा कैसे चेंज हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से, ये वाला प्रॉपर्टी अच्छा रिपीट कर दूं, ये देखो मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टीज मैंने लिखा भी था, आगे इसको प्रूव भी करेंगे, cos इनवर्स थीटा इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं अगले क्लास में प्रूव भी होगा, अभी के लिए याद रखो ठीक है, एक बार मैं लिखा भी था। अब देखो हमें sec इनवर्स sec x था, sec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos x, देखो ना sec था 1 बाय cos, इसको एज इट इज रिटेन किया, हाँ ठीक है sec इनवर्स था ठीक है, ये sec x के जगह पर 1 बाय cos लिख दिया। अब ये प्रॉपर्टीज देखो, ये इसके इक्वल है, कैप जब sec इनवर्स 1 बाय थीटा था तो जो नीचे वाला नंबर था उस किसमें चेंज हो गया, ऊपर चला गया और sec इनवर्स की जगह cos इनवर्स हो गया, तब इसको चेंज करोगे तो नीचे थीटा के जगह पर क्या है cos x है ना, तो cos x ऊपर चला गया, जो थीटा था वो ऊपर गया और sec इनवर्स x की जगह पर क्या हो गया cos इनवर्स, यानी sec इनवर्स x के cos इनवर्स, यानी ये जो था sec इनवर्स sec x वो किसके इक्वल हो गया cos इनवर्स cos x, बस एक बीच वाली लाइन अगर याद हो तुम्हें sec x में तो वही है, बीच जीरो से पाई इसका रेंज होता है इस वाले का, और इसका रेंज क्या होता है जीरो से पाई के बीच का नंबर नहीं होता, और बीच का नंबर कौन सा है पाई बाई टू, तो देखो वही, तो पूरा ग्राफ जो बनाया ना मैंने वो cos इनवर्स cos x का ही ग्राफ बना दिया, अगर कोई बोले cosec इनवर्स cosec बनाओ तो उसमें भी क्या बनाएंगे sin इनवर्स sin x का ग्राफ बना देंगे, बस उसके बीच का नंबर का रेंज नहीं लेगा। अब इसमें क्या है जीरो से पाई था तो बीच का नंबर क्या है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू को देखो सब पे ओपन सर्कल कर दिया पाई बाय टू वाली लाइन पे, यानी इसका ग्राफ अलग है ही नहीं, इसका ग्राफ जो है वो कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाले ग्राफ के इक्वल ही है, सब कुछ cos इनवर्स cos x का रिपीट होगा एक्सेप्ट ये वाला रेंज, तो आप सारे पॉइंट खुद से लिख सकते हो, कौन से क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं किसी को, रोहित क्लियर हुआ, चलो ठीक है, देखो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज मैं तुमको सिखाता हूं, अगर कोई तुमसे पूछे कि sec इनवर्स sec tan का वैल्यू बताओ क्या कर देंगे cos इनवर्स cos tan, ये जो था ना इसको हमने ये लिख लिया और इसको कैलकुलेट करना तो आता ही है, समझ गए, ये तुमसे पूछा तुमने उसके जगह पर ये लिख लिया इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो हम सीख चुके हैं,
समझ में आया एडवांटेज क्या है इसका? मतलब हमें ठीक है सेम आप अपने से कर सकते हो। अगला जो है कोसेक इनवर्स कोसेक, आप वो खुद से लिख लेना ठीक है ना, ये वाला कोसेक इनवर्स ठीक है ना, वहां साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना, बीच का लाइन हटा देना। हालांकि अगले क्लास में उसके ग्राफ को बताऊंगा अभी मैं, यहीं तक मैं छोड़ के जाता हूँ। अब वो आपका होमवर्क रहा, उसको आपको वैल्यू निकालना ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है पहले बता दो। इसमें डाउट किसी को? डोमेन पर डोमेन तो अरे डोमेन क्या है, सेकिक्स है ना, सेकिक्स कहां पे डिफाइन नहीं होगा, जहां पे कॉस जीरो हो जाएगा। सेक्स क्या होता है? वन बाई कॉस। कॉस जीरो कहां पर होता है? और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, वो भी देख सकते हो। ये जो ओपन सर्कल है वो कहां पर है? पाई बाई टू पे, मतलब माइनस पाई बाई टू पे, ये फिर पाई बाई टू पे, ये वाला थ्री पाई बाई टू पे। और रेंज तो सेक है ना, सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? जीरो से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, वो दो पॉइंट तो पहले के ही है। हाँ ये भी सही बात, मैंने पढ़ा डाउट कैसे। हाँ समझा, हो गया क्लियर? हुआ रोहित, क्लियर हुआ? चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं। अब एक बार ध्यान रखना, ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा हूं कि अगर सेक इनवर्स सेक टेन आएगा तो आप कॉस में चेंज करोगे, सिमिलरली अगर कोसेक इनवर्स कोसेक मान लो 20 आ गए थे तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन 20। फिर ये कर चुके हो आप, उसको निकाल लेना ठीक है ना। अब मैं ग्राफ बना देता, सॉरी ग्राफ कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको कर लेना।
चलो ठीक है, इतना आप कर लेना। हाँ अनुमति है, आप जा सकते हैं अब। ठीक है, बिल्कुल सबको अनुमति है, जो जो जाना चाहे जा सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चीजों को रिवाइज कर लेना, ग्राफ याद कर लेना। ठीक है, मेन पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा आप अच्छे से कर लोगे तो फिर अगला पार्ट आपका बड़ा आसान रहेगा, फिर समझने में भी बहुत कम टाइम लगेगा उसको। ठीक है, चले नेक्स्ट लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट अभी मान के चलो 4 लेक्चर लगेगा, आफ्टर 4 लेक्चर्स लिमिट स्टार्ट करेगा। ठीक है, हाँ मॉड्यूल अभी मत करो, मैं बताऊंगा, थोड़ा और कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास तक मैं शेयर कर दूंगा मॉड्यूल। अभी आईटीएफ में बेटा कम से कम 4 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, 3 या 4 लेक्चर नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर, ओके।